अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो आज हम हैदराबादी फेमस लगन का खेमा और प्लेन लखमी बनाकर तैयार करने वाले हैं। इस रेसिपी को दावत के टाइम पे, शादियों के टाइम पर बनाकर सर्व किया जाता है। ये रेसिपी बेस्ट रहेगी रमज़ान में, अगर दावत प्रिपेयर करना हो या फिर घर में भी कुछ स्पेशल सा प्रिपेयर करना हो तो लगन का खेमा बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। उसके साथ प्लेन लखमी अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। ये एक यूनिक टेस्ट रहेगा, बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यह हैदराबाद की फेमस रेसिपी है, बनाने में बहुत आसान लेकिन टेस्ट में बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बहुत ही आसान और सिंपल वे में बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम लगन का खेमा और प्लेन लखमी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लखमी का आटा प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए हम मैदा ले लेंगे 2 कप के करीब। अगर आपको सिर्फ मैदा नहीं लेना है तो 1 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब हम मैदे के हिसाब से 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 अदद हम इसमें अंडा ऐड करेंगे, अंडे के लिए बीच में जगह बनाएंगे मैदे में। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 2 कप दही ऐड करेंगे, गाढ़ा दही का यूज़ करेंगे हम। 2 चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे, 2 चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैदे में मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। के लिए तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे। आटे को अच्छी तरह से गूंदने से पहले हम आटे में जो हमने घी है, तेल है, अंडा है ऐड किया है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ें आटे में बराबर हो जाएं तो हमें अंदाज़ा लगेगा कि कितना दूध लगने वाला है। हम इस आटे को पानी से नहीं बल्कि दूध से भिगाने वाले हैं। 1 कप दूध ले लिया है हमने, रूम टेम्परेचर का दूध ले लेंगे हम। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से आटे को लगाते जाएंगे, जिस तरह से हम समोसे का आटा लगाते हैं। थोड़ा सा सख्त यानी कि टाइट डो बना लेंगे हम इसमें, देखिए इस तरह से। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदने के बाद थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए हमने आटे को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी आने के बाद, इस तरह से आटा हमारा तैयार होने के बाद देखिए अच्छी तरह से नरम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि आटे को अच्छी तरह से ऑयल या घी से ग्रीस कर लेंगे, अच्छी तरह से आटे को ऊपर से लगा लेंगे और 1/2 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए कवर करके रख देंगे हम। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि खेमे के लिए मसाला प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए जावित्री ले लेंगे थोड़ी सी। 1 चम्मच के करीब हम इसमें कबाब चीनी ले लेंगे, 1 बड़ी इलायची ले लेंगे, 7 से 8 हरी इलायची ले लेंगे, 7 से 8 लौंग ले लेंगे, 2 से 3 इंच के करीब हम इसमें दालचीनी ले लेंगे, 1 चम्मच हम इसमें शाजीरा ले लेंगे। अब इन तमाम ड्राई स्पाइसेस को हम ब्लेंडिंग जार में ऐड कर देंगे और इसका अच्छा सा एक फ़ाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए हमारा पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसको साइड में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि खेमे को अच्छी तरह से धो लेंगे और खेमे का तमाम पानी हम निकाल लेंगे, अच्छी तरह से छन्नी में डालकर पानी सुखा लेंगे। अब हम खेमे में चंद स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन ले लिया है, 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हमने जो ड्राई स्पाइसेस का मसाला पीस कर रखा था वो ऐड कर देंगे, 1 चम्मच हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम इसमें धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। अब इन तमाम स्पाइसेस को खेमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद खेमे को अच्छी तरह से कवर करके साइड में रख देंगे। देखिए खेमे को अच्छी तरह से फैला लिया है लगन में। अब हम उसको कवर करके करीब 1/2 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तब तक हम क्या करेंगे कि भुना हुआ मसाला प्रिपेयर करेंगे। 2 से 3 चम्मच के करीब खोपरा ले लेंगे हम, 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम ले लेंगे। 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम उसको भून लेंगे। दो मिनट तक अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हम क्या करेंगे कि 2 से 3 चम्मच के करीब हम इसमें खसखस ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भुन लेंगे मीडियम फ्लेम पर। क्योंकि खसखस जल्दी जल जाती है इस वजह से हम इसको लास्ट में ऐड करेंगे। टोटल हमने 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसालों को भुन लिया है। जब अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगेगी तब हम क्या करेंगे कि गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और तमाम भुने हुए मसाले को एक प्लेट में निकालेंगे, अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। अब हम एक छोटी सी कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हम 1 से 1.5 कप के करीब ऑयल डालेंगे। इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे।
अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है हमें, जिसके लिए 3 से 4 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पर। देखिए हाई फ्लेम पर भुनते हुए करीब 3 मिनट हो चुके हैं, अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है हमारी प्याज, अब रेडी है। अब हम प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तली हुई प्याज को हम साइड में रख लेंगे, जिसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जो हमने मसाला भुनकर साइड में रखा था उसको हम ब्लेंडिंग जार में ऐड कर देंगे। पहले हम ड्राई मसाले को डालेंगे ब्लेंडिंग जार में, अच्छी तरह से उसको दरदरा सा हम पीस लेंगे। देखिए हमारे मसालों का पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे कि इसमें चंद चीज़ें और ऐड करेंगे। जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी 2 मीडियम साइज़ के लिए थी, 1 प्याज के बराबर हम इसमें तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। 1 प्याज के बराबर हम इसको साइड में रख देंगे, जिसका यूज़ हम बाद में गार्निशिंग में करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 1 मुट्ठी के करीब कोथिमीर ऐड करेंगे, 1 मुट्ठी के करीब हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे, 3 से 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे हम इसमें। अब हम इसमें 1.25 किलो के करीब दही ऐड करेंगे, यानी कि 250 ग्राम्स हम इसमें दही ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। लीजिए हमारा मसाला पीसकर रेडी हो चुका है। अब इन मसाले को हम खेमे में लगा लेंगे। हमारे खेमे को रखे हुए करीब आधा घंटा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें चंद चीज़ें और मिलाएंगे। 1 चम्मच के करीब हम इसमें घी ऐड करेंगे, 3 अदद हम इसमें नींबू का जूस ऐड करेंगे, यानी कि 3 चम्मच के करीब हम इसमें नींबू का जूस ऐड करेंगे। अब हमने जो मसाला पीस कर रेडी किया है वो मसाला इसमें ऐड कर देंगे हम। जिस कढ़ाई में हमने प्याज फ्राई की थी वो ऑयल हम इसमें डाल देंगे, 1 कप के करीब ऑयल है ये। अब इन तमाम चीज़ों को खेमे में अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि तमाम मसाला हमारा खेमे में मिक्स हो जाए। चूँकि हमने खेमा बहुत ड्राई रखा है, इस हिसाब से हमें मिलाने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। लीजिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, मसाला अच्छी तरह से खेमे में मिक्स हो चुका है। अब हम 1 चुटकी के करीब इसमें केसर ऐड करेंगे, केसर को भी मिला लेंगे खेमे में। केसर के ऐड करने से खेमे में बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत एकदम खुशबूदार खेमा हमारा बनकर रेडी होगा। अब हम क्या करेंगे कि 1 कप के करीब इसमें मलाई ऐड करेंगे। मलाई को मैंने ग्राइंडर में एक बार पीस लिया है, मैंने फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। आप इसकी जगह बाज़ार का क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, रेडीमेड क्रीम। क्रीम को भी अच्छी तरह से खेमे में मिला लेंगे हम, मिक्स कर लेंगे। अब हमारा खेमा रेडी है गैस पर रखने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे और गैस पर एक तवा रख लेंगे। तवे पर रखकर हमें खेमा रखना होगा, डायरेक्ट नहीं रखेंगे वरना खेमा नीचे से लग जाएगा। एक बार खेमा अगर लग जाए नीचे से तो इसमें स्मेल ख़राब हो जाएगी, खेमा का टेस्ट हमारा एकदम बिगड़ जाएगा। 2 से 3 मिनट बाद हम क्या करेंगे कि खेमे को एक मरतबा मिला लेंगे। देखिए ऊपर तक अच्छी तरह से भाप आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि एक मरतबा मिक्स करने के बाद इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर हम इसको 30 से 35 मिनट के लिए पकाते जाएंगे। बीच में हर 4 से 5 मिनट बाद मिलाते जाएंगे, ताकि खेमा हमारा नीचे से ना लगे। एक बार ढक्कन हटाकर मिलाते जाएंगे और मिक्स कर हम फिर इसको दोबारा से ढक्कन ढाँप कर रखते जाएंगे। ये प्रोसेस हमें खेमे को सूखा होने तक रखना है, जिसके लिए 30 से 35 मिनट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, यानी कि लो फ्लेम से हल्का सा ज़्यादा इसका फ्लेम रखेंगे हम। देखिए मैं आपको कंटिन्यू दिखाते जाऊँगी। हर 3 से 4 मिनट बाद या 5 मिनट बाद जितने बार भी मैंने मिक्स किया है, खेमे का देखिए टेक्सचर एकदम बदलता जाएगा, खेमा थोड़ा थोड़ा सा खरीब होते जाएगा। देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी होना चाहिए हमें खेमे की, और 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे हम, हल्का सा थिक होना चाहिए। और देखिए अब हमारा खेमा अच्छी तरह से पक चुका है, ऊपर से ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम उसको धुआं लगा लेंगे, स्टीम दे देंगे, जिसके लिए कोयले को जलाकर रख लिया है। उस पर 1 चम्मच के करीब घी ऑयल डालेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए उसको भाप दे देंगे हम। गैस के फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया था, 10 मिनट बाद हमने ढक्कन खोल कर देख लिया है, अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है हमारा खेमा। अब हमारा खेमा रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए जब तक हम क्या करेंगे कि इसकी लक्मे बनाकर तैयार कर लेंगे। आटे को रखे हुए हमें करीब 1 घंटा हो चुका है। अब हम आटे को 1 से 2 मिनट के लिए और गूंद लेंगे। देखिए ज़बरदस्त सा हमारा आटा रेडी हो चुका है, परफेक्ट है ये लक्मे बनाने के लिए।
आटे का छोटा सा एक पोर्शन ले लेंगे हम। देखिए इस तरह से, जिस तरह से हम रोटी का आटा लेते हैं यानी कि पराठा बनाने के लिए एक डो लेते हैं, उस साइज़ का हमें डो लेना है। अब हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, उसको अच्छी तरह से एक बेलन की मदद से बेलेंगे हम। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह की थिकनेस होनी चाहिए, उसी शेप में हम बेल लेंगे, अच्छी तरह से फैला लेंगे रोटी को। अच्छी तरह से पूरी रोटी को प्रिपेयर करने के बाद, बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें पानी का छींटा ले लेंगे एक हाथ से। देखिए इस तरह से एक हाथ भर के पानी डाल देंगे इसमें और अच्छी तरह से उसको एक मरतबा पानी को रोटी पर फैला लेंगे। उसके बाद हम रोटी को हाफ़ इस तरह से फोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि एक नाइफ़ ले लेंगे, नाइफ़ की मदद से हम रोटी के दोनों साइड्स कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब हम सामने का पार्ट भी इसका कट कर देंगे ताकि प्रॉपर इसका शेप दे सकें हम। अब हम क्या करेंगे कि लोखमे को कट कर लेंगे। इस साइज़ की हमारी लोखमे बनकर रेडी होना चाहिए। इसी प्रोसेस से हम सारे लोखमे बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए दो लोखमे हमने प्रिपेयर कर ली हैं एक रोटी से। रोटी को हाफ फोल्ड कर लिया है पानी का छींटा देकर और उसको अच्छी तरह से लोखमे के शेप में कट कर लिया है। इसी प्रोसेस से हम सारे रोटी बनाकर लोखमे प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए इसी प्रोसेस से हमने सारे लोखमे बनाकर रेडी कर ली है। बहुत ही इजी और सिंपल वे में, बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स के साथ, छोटे छोटे से ट्रिक्स के साथ हमने परफेक्ट लोखमे बनाकर रेडी कर ली है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं, जिसके लिए कढ़ाई रख लेंगे गैस पर। और अब हम इसमें डीप फ्राई करने के लिए ऑयल डाल देंगे। 2 कप के करीब हमने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल के हल्का सा गर्म होने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम हीट पर हम लोखमे को फ्राई कर लेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी लोखमे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। देखिए अच्छी तरह से ये फूलना स्टार्ट हो चुकी है। जब एक मरतब अच्छी तरह से ये फूल जाए उसके बाद हम उसको पलट लेंगे। इस साइड पे भी हम इसको करीब 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखा आपने, लोखमे को फ्राई करते हुए करीब 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं मीडियम हीट पर। अच्छा सा इस पे सुनहरी कलर आ चुका है। इस कलर के आने तक हमें लोखमे को फ्राई करना है। तो अब हमारी लोखमे रेडी हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे कि सारी लोखमे फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे, बल्कि मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे हम। तो देखा आपने कितने आसान और सिंपल वे में हमारी सारी लोखमे बनकर रेडी हो रही है। अच्छी तरह से ये फूल भी रही है, ज़बरदस्त सा इसका लुक भी आ रहा है, सुनहरी सा कलर आ रहा है और ये नरम बनकर रेडी होगी। इसका 2 टिप्स ये हैं कि आटे को हल्का सा थिक यानी कि टाइट डो बनाकर रेडी करना है। उसके बाद हमें इसे आधे घंटे के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखना होगा और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से परफेक्ट लोखमी हमारी बनकर रेडी होगी। तो चलिए सारी चीज़ें हमारी पककर रेडी हो चुकी हैं। अब हम उसको सर्व करने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। लखन का खेमा दावतों वाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए ज़बरदस्त सी फुली फुली सी एकदम बाज़ार जैसी दावत वाली हमारी लोखमे घर पर बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा हरा धनिया, पुदीना, तली हुई प्याज से गार्निश करेंगे। चाहे अगर आप तो इसको नींबू या फिर प्याज से भी सर्व कर सकते हैं। अगर किसी को चाहें तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं एकदम दावत वाला लुक क्रिएट करने के लिए। बहुत ही आसान और सिंपल वे में हमने ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी सादी लोखमे और लगन का खेमा बनाकर रेडी कर लिया है। रमज़ान में घर वालों को कुछ स्पेशल खिलाना हो या फिर दावत प्रिपेयर करनी हो या फिर इफ्तार के लिए कुछ अच्छा सा घर में प्रिपेयर करना हो तो ये रेसिपी बेस्ट रहेगी। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।